हाय गाइस, एक्चुअली मैं आज आप लोगों को बताऊंगा एजेक्स फ्लोरी यानी वो कंक्रीट मिक्सर जो होता है ना उसके बारे में बताऊंगा। यानी कि एक तो होता है कि आरएमसी गाड़ी आता है मार्केट से और हम ऑर्डर देते हैं कि इतना कंक्रीट चाहिए हमें, वो हम डाल देते हैं। लेकिन एक्चुअली हम लोग साइट पे जो मैन्युअली काम करवाते हैं उस टाइम में थोड़ा थोड़ा एम क्यूब चाहिए, एक एम क्यूब, दो एम क्यूब, उसके लिए या तो मैन्युअली हम लोग लेवर के थ्रू बढ़वाते हैं या तो ये एजेक्स फ्लोरी बोलते हैं इसको, ये मिक्सिंग करता है। ये इसकी कैपेसिटी है 2 MQ के करीब, मैक्सिमम इतना कर सकते हैं इसमें। इससे बड़ा भी आता है लेकिन हमारे साइट पे ये अभी अवेलेबल है, तो इससे हम कंक्रीट मिक्सिंग करते हैं। इससे क्या होता है, काम आसान हो जाता है, जगह जहाँ पे डालना है वहाँ पे डाल सकते हैं। इसको हम आज आपको बताएंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे किस तरह से मिक्स करते हैं। ये ऑटोमेटिक पूरा जो है ना काम कर लेता है, सैंड भरना हो तो इससे सैंड भर लेते हैं, ये इससे ही नीचे डाउन करके, और एग्रीगेट भरना हो एग्रीगेट भर लेते हैं। अभी प्रोसेस बताएंगे क्या करते हैं इसमें। तो अभी क्या है, स्टार्ट है ये, इसमें अभी जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी भर रहे हैं। वो पाइप देख रहे होंगे आप, ये पाइप है, इसके थ्रू अभी पानी भरा जा रहा है। पानी कितना भरना है उसमें वो पूरा डिटेल रहता है, उसमें डिटेल रहता है। यहाँ देखिए इसमें पूरा डिटेल, आपको सब डिटेल दिख जाता है। जैसे अभी वाटर, अभी पानी डाल रहे हैं इसमें, यानी अभी हम 10 बैग का बना रहे हैं। यानी हमारा एक ग्रेड चल रहा है अभी, M25 का ग्रेड चल रहा है। तो M25 के ग्रेड में हम जानेंगे कि कितना हमारा सीमेंट लगता है। तो सीमेंट हमारा 10 बैग लगता है, वो अभी हमारा डिजाइन मिक्स है, वो बाद में उसके बारे में डिटेल बताएंगे कैसे क्यों लगता है कितना लगता है। अभी सिर्फ हम जानेंगे कैसे मिक्स करना है। तो हमारा यहाँ पे अभी 10 बैग यूज हो रहा है 1.5 MQ में, और ये वाटर कितना हो रहा है 236। मुझे थोड़ा एडजस्ट करना होता है, वो डिपेंड करता है जगह पे, कौन से एरिया में डालना है वो थोड़ा सा आगे पीछे एडजस्ट करते हैं। बाकी ये ऑटोमेटिक रीडिंग बताता है कि वाटर कितना लेना है। देखिए पानी वो चेक कर रहा है। अभी देखिए हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी यहाँ सीमेंट के पास आ गया गाड़ी। अब यहाँ से हम सीमेंट जो बताया था हमने 10 बैग सीमेंट डालना है, तो उसी उसमें उसमें डाल देते हैं हम लोग हम्फर में। डालने के बाद वो उठा करके उसे अब ये दिखाता हूँ मैं आपको। हम इस हम्फर में एक बार में 4 बैग ही डालते हैं। 4 बैग डालने के बाद एक बार पानी में, पानी जो पहले डाला था उधर, तो उसमें हम एक बार अभी मिक्स करेंगे इसको 4 बैग। अभी हमारा 3 बैग डला गया है और ये लास्ट 4 बैग, ये अभी उठाया, ये 4 बैग डालेंगे। ये 4 बैग डालने के बाद इसे मिक्स, अभी उठा करके वो मिक्स करेगा। ये देखिए ये ऊपर तक गया, अब ये हमारा मिक्स हो रहा है। फिर उसी तरीके से फिर 4 बैग और लास्ट में एक बैग डालना है, 2 बैग। अब देखिए दोस्तों हम लोग एग्रीगेट लेने के लिए जा रहे हैं, सीमेंट हो गया कंप्लीट हमारा 10 बैग सीमेंट डालने के बाद अभी हम एग्रीगेट के पास आ गए। तो एग्रीगेट अभी डालेंगे, जो प्रोसेस था वही उसी प्रोसेस से डालेंगे। कितना डालना है इसमें अभी 1.5 MQ, यानी 10 बैग का हमारा 1.5 MQ, M25 का ग्रेड चल रहा है, तो उसमें 1080 kg, यानी 1080 kg इसमें सीमेंट एग्रीगेट आ जाता है। वो हम डिटेल बताएंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, को जरूर बताएंगे उस वीडियो में कि कैसे आया, कितना आया, क्यों आया, वो एग्जैक्टली बताएंगे। अभी डिजाइन मिक्स के हिसाब से हमारा इतना जाना है, वो ऑटोमेटिक रीडिंग बता देता है, उसके पास में रीडिंग है, आपको रीडिंग भी हम दिखाएंगे जरूर उसके। देखिए वो जहाँ पे बैठते हैं ड्राइवर, जहाँ पे बैठा होता है उसके जस्ट ऊपर में, वहाँ पे रीडिंग बता रहा है कि हाँ इतना आपने डाला एग्रीगेट, वो कंप्लीट हो गया, आप ज्यादा मत डालो, ऐसा हो जाता है। उसमें डिटेल उसमें बता देता है वो रीडिंग, उसी हिसाब से वो वर्क करता है। वो डालने के बाद वहाँ वो चेक करता है, वो वेट वहाँ लिखा होता है, वो देखने के बाद हम आ जाएंगे इधर ना सैंड के पास। अभी वो एग्रीगेट हो गया हमारा, अब हम सैंड की तरफ आएंगे। सैंड भी उसी हिसाब से उसमें रीडिंग होता है, वो रीडिंग भी बताऊंगा मैं कैसे निकालना है, उसका डिटेल मैं बताऊंगा एग्जैक्टली। अभी एग्जैक्ट मैं बताना चाह रहा हूँ आपको सिर्फ हम ऐसे इसे मिक्स कैसे करते हैं, कितना ईजी होता है ये हमें, वो हम बताना चाह रहे हैं आपको इस वीडियो में। ईजी हो गया ये, अभी हम कहाँ डालेंगे, कहाँ डंप करेंगे वो भी आपको बताऊंगा। ये भी अभी प्रोसेस चल रहा है अभी सैंड डालने का। बहुत ही इजी होता है इसे मिक्स करना।
और बहुत ही सिंपल भी है ना, क्योंकि एग्जैक्टली क्या होता है कि अब डालना है हमें तो कितना डालना है क्या करना है वो समझ में नहीं आता, कभी मिस्टेक भी हो सकते हैं। बट वहाँ क्या है ना, उसके ड्राइवर के सामने में वो रीडिंग होता है, उसको ऑलरेडी बता दिया गया है कि M25 का ग्रेड है तो उसमें कितना सीमेंट चाहिए कितना चाहिए, तो वो उसमें वेट पूरा केजी में आता है, वो पूरा केजी शो करता है, सीमेंट कितना केजी आया, सैंड कितना केजी आया, एग्रीगेट कितना केजी आया, वो चीज़ शो होता है इसमें। ओके फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जरूर बताऊंगा उसका डिटेलिंग कि एजेक्स में हमने जो मिक्स किया था 10 बैग्स सीमेंट एग्रीगेट 1080 केजीज सैंड मिक्स किया कितना किया कैसे आया, वो डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू गाइस।